भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के असियाचक पंचायत के हथियोग गांव के लोगों को आपदा के तहत सुखाड़ राशि नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा व प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बारिश नहीं होने पर लोगों के खेतों में उपज नहीं हो पाई है, जबकि सरकार द्वारा असियाचक पंचायत को सुखाड़ घोषित करते हुए आपदा के तहत सुखाड़ राशि देने की बात कही गई है, लेकिन अब तक हम लोगों को सुखाड़ राशि नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों की स्थिति खेतों में उपजाऊ नहीं होने पर दयनीय हो गई है। वहीं वार्ड 4 के सदस्य बटेश्वर यादव ने बताया कि वार्ड 1, 2, 3, 4, 6, 7 के किसानों को अब तक सुखाड़ राशि नहीं दी गई है। मुखिया के द्वारा बिना अनुश्रवण समिति की बैठक किए एक ही परिवार के कई लोगों को सुखाड़ की राशि दी जा रही है। हथियोग गाँव एवं असियाचक पंचायत के कई वार्ड के लोगों को अब तक सुखाड़ राशि नहीं मिलने पर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। अगर सरकार के द्वारा सुखाड़ राशि नहीं मिलेगा तो यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि वे धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर गांव में सुखाड़ राशि नहीं मिलने पर हंगामा किया गया और सुखाड़ राशि नहीं मिलने पर CO एवं मुख्यमंत्री को लिखित आवेदन देकर सुखाड़ राशि की मांग की गई है। इस दौरान कई किसान आंदोलन करते हुए नजर आए। जमीन मांग कर रहे हैं कि हमको घर द्वार नापी करके मतलब इधर घर बनाएंगे और नहीं तो नहीं जमीन देगा सर तो हम लोग आत्महत्या कर देंगे। इसके जिम्मेदार शाहनवाज हुसैन है ना। हम 4 नंबर वार्ड का 5 है। हमको ग्रामीणों ने बोला कि हम लोग को पैसा नहीं मिलता। इसके बाद जो है दरखास्त लिख करके जब हम सुल्तानगंज गए CO साहब के पास तो CO साहब ने जो है आवेदन ले करके और हमको कहा जाओ तो हम सुखाड़ का राशि मिला आप लोग नहीं मिला है नहीं नहीं वही मांग है आप लोग। हाँ वही मांग। क्या नाम हुआ? बटेश्वर यादव। आप लोगों को है हम लोगों का हम यहाँ का 4 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य है। हर व्यक्ति हमको फॉर्म दिए सुखाड़ आपदा के लिए भरने के लिए और हम जब मुखिया जी को बोले मुखिया जी बोले कि अनुश्रवण समिति का पहले बैठक होने दीजिए उसके बाद CO साहब से बात करके एंट्री हम करवाएंगे। इसके लिए हमको सूची दे दीजिए। मुखिया जी को हम सूची दे दिए उसके बाद मुखिया जी बिना अनुश्रवण समिति बैठक किए बिना जाके ब्लॉक में एंट्री अपना करवाने लगे। किसी कारणवश ब्लॉक जब पहुँचे तो वहाँ एंट्री जारी था। वहाँ 6 ऑपरेटर एंट्री कर रहे थे। हम पूछे कि मुखिया जी ये एंट्री जो कर रहे हैं बिना अनुश्रवण समिति की बैठक किए कौन अनुकूल कर रहे हैं? हम मेरे वार्ड का एंट्री नहीं हो रहा है, क्या समस्या है? कहा का आपका अभी समय वार्ड का एंट्री नहीं होंगे जो 2-3 दिन के बाद होंगे। हम कहें कि हम CO साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो मेरा भी वार्ड का एंट्री होना चाहिए। मुखिया जी बोले कि मेरे पास ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर अगर तुम्हारे पास है तो लेकर आके करो एंट्री। उसके बाद हम ऑपरेटर 2 को मंगा के एंट्री जारी किए जिसमें 375 फार्म को हम एंट्री किए। 375 फार्म एंट्री करने के बाद उसके बाद समस्या यहाँ पेमेंट का मोटा मोटी यहाँ पेमेंट 2200-2300 पेमेंट हुए असियाचक पंचायत में, लेकिन हथियाओं 4 नंबर वार्ड में मुश्किल से 30-35 लाभुक को पैसा मिल पाए हैं और व्यक्ति का नाम यहाँ से बहुत एंट्री जितना किए थे उसका नाम डिलीट करवा दिए गए। कितने लोगों का डिलीट हो गया? यहाँ मोटा मोटी 100 आदमी से ऊपर का डिलीट करवा दिए। हम मुखिया जी से पूछे कि ये डिलीट कौन करवाए, ये CO साहब से पूछा जाए या उसका PDF दिया जाए कि 4 नंबर वार्ड में कितने एंट्री है, 2 नंबर में कितने है, 1 नंबर में कितने, 6 में कितने, 5 में है। लेकिन मुखिया जी PDF दे रहे हैं, नहीं CO साहब PDF दे रहे हैं और नहीं इसका कोई जवाब दे रहे हैं। कितने आदमी को नहीं मिला है सुखाड़ का? यहाँ मोटा मोटी 200-250 आदमी को अभी तक एक भी रुपया राशि नहीं मिले हैं। शिकायत किए हैं मुख्यमंत्री को भी आवेदन हम दिए हैं, CO साहब को भी आवेदन लिखित दिए हैं। कब दिए हैं? CO साहब को हम दिए हैं 17 तारीख को, जिस रिसीविंग भी आर ओ साहब हमको दिए हैं। मुख्यमंत्री को हम दिए हैं 16 तारीख को 15 तारीख को आवेदन दिए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं है, सूचना भी नहीं मिला है। कोई सूचना भी नहीं मिले हैं अभी तक। तो ये लोग किसान का जो है जीवन यापन अब किसान को लाभ मिलना चाहिए। बारिश स्थिति दयनीय है। हाँ बारिश स्थिति दयनीय है। क्या नाम है आपका? कुमार गौरव। वार्ड के नंबर? 4 नंबर। के गरीब दुखियों की खाते है वहाँ खेते वहाँ नहीं लाल रोपे लेने धान रोपे ले
हमरा के मिलना चाहिए खेबे कौन चीज सरकारी राशि नहीं मिला नहीं नहीं सरकारी राशि नहीं मिला कितने लोगों को मिलने मिला है मिला है और समस्या नहीं मिला समस्या यही है सुखाड़ का जो भी राशि है ताकि यहाँ पे जो है एक कोना का मतलब मिला है तीन कोना आदमी को नहीं मिला है उपज नहीं हो पाया नहीं हो पाया क्यों नहीं उपज हुआ से नहीं हुआ वर्षा की वजह से नहीं हो पाया और इसी वजह से जो है मतलब तीन कोना आदमी जिसको मिलना था उसको नहीं मिला है और जिसको मिलना नहीं मिलना था उसको मिल गया है इसके लिए जो सुखाड़ की राशि चाहिए हाँ सुखाड़ की राशि चाहिए आवेदन दिए हैं हाँ आवेदन दिए हैं कहाँ दिए हैं आवेदन दिए हैं फिर एक फोन पे भी जो वहाँ काउंटर पे चढ़ाता था उस पे डायरेक्ट भेजे हैं अपना खाता आता हर चीज बोला कि हम आपका नाम ऐड कर दिए पैसा आ जाएगा लेकिन अभी तक नहीं आया है क्या नाम आपका मेरा नाम विपिन कुमार हुआ गाँव अथियोक है अब हर खबर पर होगी हमारी नजर पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं थैंक यू